महीना तलवार और आप देख रही हैं फर्स्ट बाइट टीवी। स्वागत है आपका हमारे शो स्वास्थ्य मंत्रा में, जिसका थीम है काम की बात डॉक्टर्स के साथ। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनुज रस्तोगी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कशिका जैन, जो लाइफ कोच के साथ साथ एक काउंसलर भी हैं। आज का हमारे शो का थीम है हाउ टू रेज अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड। तो सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर अनुज रस्तोगी के पास। स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग प्रेरणा जी। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बच्चे को पालना एक बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं चैलेंजिंग काम होता है परिवार में। उसके लिए लोग जो हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के लिए बहुत टफ है कि बच्चा ऐसे बड़ा हो कि वो कॉन्फिडेंस के साथ हो, वो किसी से अपने आप को कम ना समझे। तो इसके लिए आप क्या चीजें हैं जो देखिए मेरे लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ, मुझे लगता है कि जो पहला वीनिंग टाइम है, जैसे पहले 4 महीने की उम्र पे हम बच्चे को सेमी सॉलिड्स वगैरह देना शुरू कर देते थे, अब वो हमने टाइम 6 महीने पे कर दिया है जो साइंस का रिकमेंडेशन है। तो वो एक इतना इम्पॉर्टेंट टाइम है जहाँ से बच्चा सारे लाइफ स्किल, खाने से रिलेटेड है, सब कुछ खाने से रिलेटेड है कि किस तरह से खाना खाना सिखाया जा रहा है, कैसे वो खाना सीख रहा है, कितनी वैरायटी उसे दी जा रही है, वेदर ही इज़ ए पिकी ईटर और ही इज़ यूजिंग वैरायटी, इस पर बहुत डिपेंड करता है। जो 6 महीने से लेके 12 महीने तक की विंडो होती है, उस समय उसके आइडिया फिक्स नहीं होते, उसकी चॉइसेस नहीं बनी होती और वो धीरे धीरे लर्न करता है। बट कुछ पेरेंट्स उसमें इतनी हड़बड़ी करते हैं, इतनी जल्दी करते हैं, बच्चे को आइसक्रीम खिला देंगे, चॉकलेट चटा देंगे, तो ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो सभी बच्चे खा लेते हैं। बट वो कभी उन्हें जो अल्टीमेटली वो ड्रीम करते हैं कि हमारा बच्चा फ्रूट्स खाए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाए, दलिया खाए, वो सब नहीं ट्राई करते, वो शॉर्टकट्स पे चलते हैं। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ग्रेजुअल प्रोसेस है। शॉर्टकट जो भी आप शॉर्टकट से करेंगे उसमें कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। तो इसका अगर मैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट मैम डॉक्टर कशिका आपसे पूछूं, तो ये बताइए कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पेरेंट्स में देखने को मिलती है कि वो बच्चे को जो चाहिए वो दे देते हैं, चॉकलेट मांगा चॉकलेट दे दिया। तो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के नज़रिए से हम इसको कैसे डील करें कि बच्चा वही खाए जो हम उसको खिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है पेरेंट्स के लिए कि वो बच्चे को मना पाए कि नहीं बेटा आपको ग्रीन वेजिटेबल खाना है या फिर आपको चॉकलेट नहीं खाना है। तो कैसे आप कहेंगे, क्या गाइडलाइंस है जो पेरेंट्स को फॉलो करने चाहिए? देखिए अगर कॉन्फिडेंस के मामले में हम स्पेशली फूड की बात कर रहे हैं, तो बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, यानी कि वो जो भी खा रहा है उसकी जो फूड चॉइस है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है जी। अगर आप खुद ही डिसिप्लिन नहीं है, आप कुछ भी उल्टा सीधा खाते हैं, या बच्चे को आपने बताया कि ये जो फ्रूट्स हैं या जो वेजिटेबल्स हैं आपके बेनिफिट के लिए हैं, और वहीं पर जैसे ही बच्चे ने मुंह बनाया या किसी भी तरह से टैंट्रम शो करे, आपने तुरंत उसको दूसरा ऑप्शन दे दिया, तो बच्चा इससे कन्फ्यूज स्टेट में रहेगा, बच्चा कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा आपको लेकर भी कि आपकी जो सलाह है आप उस पर टिकते हैं। तो वो क्या है कि आपसे जो एक्सपीरियंस गेन करेगा, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही वो एक्ट करना शुरू कर देगा, बिकॉज उससे लगेगा कि जो चीज़ हम डिसाइड करते हैं ज़रूरी नहीं है उस पर टिके रहना। और कॉन्फिडेंस से ये कि अगर आपने कोई चीज़ सोच ली है तो बस आप उसके साथ फिर जस्टिफाई कर रहे हैं, यानी कि वही चीज़ कर रहे हैं आप जो आपने सोचा हुआ है। और अगर आप इन जनरल बोलेंगे सिर्फ खाने पीने से अलग हटके कि कॉन्फिडेंट चाइल्ड, जैसे आज हमारा टॉपिक है कि हम कैसे रेज करें, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि हमारी जो साइकोलॉजी है वो कैसे बिल्ट होती है। हाँ, कॉन्फिडेंस एक मेंटल स्टेट है और किसी भी मेंटल स्टेट को बिल्ड किया जाता है, यानी कि बनाना पड़ता है। तो 3 तरीके से हमारी कोई भी स्टेट बिल्ड होती है, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, यानी कि हमारे जीवन में जैसे अनुभव होते हैं। उसके लिए बच्चे को आपको मौके देने होंगे, यानी कि बच्चे को आपको चॉइस देनी होगी और उसकी चॉइस को वैल्यू करना होगा, उसको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी होगी, उसको ऐसा एनवायरमेंट देना होगा, उसको सही और गलत में फ़र्क जो है ना पहचानने की फ्रीडम देनी होगी। तो इन सब चीज़ों से एक्सपीरियंस कर वो जो लर्निंग लेगा उससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बट पेरेंट्स क्या करते हैं प्रेरणा, कि पेरेंट्स ना स्पून फीडिंग करने में बिलीव करते हैं, तो वो जो शुरुआती 8 साल होते हैं वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस का बीज डल ही नहीं पाता। जब बीज ही नहीं डला तो वो फूटेगा कैसे? बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं इस मसले पर आऊं कि यही तो हो गई हमारे खाने पीने की बात, कि बच्चे को हम साइकोलॉजिकल तरीके से कैसे उसको प्रिपेयर करें कि वो वही खाए, आपने बताया कि पेरेंट्स क्या गलती कर देते हैं,
अगर सर मैं आपसे ये पूछूं कि कुछ गलतियां वहां हो जाती हैं कि बच्चे की थोड़ी सी तबीयत खराब हुई तो उसको पैम्पर करना शुरू कर देते हैं, तो वहीं पर कुछ लोग उसको नीचा दिखाते हैं कि बेटा नहीं आप ऐसे नहीं करोगे तो आप बीमार हो, आप आगे बढ़ के ये नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो आप कैसे डील करते हैं जब बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, उनको ये लगता है कि फ्यूचर में वो बहुत ज़्यादा लोगों से कम रह जाएंगे, तो ये केस कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, इसमें ना माँ एक बहुत बड़ी शक्ति है बच्चों के लिए, माँ या दादी कहें, और मैंने तो खुद ही से बहुत महसूस किया है। अप्स एंड डाउन तो सबकी लाइफ में, लाइफ इतनी इजी नहीं है कि आप जो सोचें वो होता चला जाए, एंड यू हैव हार्ड टाइम आल्सो, बट उस समय पेरेंट्स ने आपको हार्ड टाइम कैसे डील करना सिखाया इस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, कल मैंने एक बच्चा एडमिट करा जो अपने नाना के घर आया हुआ था, और उसको लूज मोशंस वगैरह हो रहे थे काफ़ी, और हाई ग्रेड फीवर था। तो मैंने फर्स्ट को मैं उसको एडमिट नहीं किया, मैंने उसको समझाया ORS पिलाओ, बुखार उतारो इसका। फिर वो दो घंटे बाद फिर आ गए, फिर फाइनली वो शाम को 6-7 बजे एडमिट हो गया, और उसकी माँ रोई जा रही, आँखें लाल हो रही और लगातार रोई जा रही। तो मैंने उसको बोला कि देखो तुम इसे कमज़ोर बना रही हो, इसे बीमारी से लड़ने में बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, वो हेल्प नहीं कर रही हो जो आप रो रही हो। हमारा बच्चा कब डरेगा, जब वो अपने बड़े जनों को डरता हुआ देखेगा। आप उसे अगर उसको ये कहोगे ठीक हो जाएगा, क्या हो गया ऐसा, सभी बीमार होते हैं, ठीक हो जाएगा, बच्चा इतना परेशान नहीं था जितनी उसकी मदर परेशान थी। तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है ना, ये सब छोटी 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 बातों से बिल्डअप होता चला जाता है कि कैसे आप निगोशिएट कर रहे हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे कॉलेजेस में प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, बट आई एम सो सरप्राइज प्रोजेक्ट कोई बच्चा बना ही नहीं रहा होता, तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा उसे, अगर जब तक वो कुछ बनाएगा नहीं, टास्क नहीं करने दिया जाएगा। या आपने जैसे इंजीनियरिंग गेम्स होते हैं, जब जो जो छोटी छोटी चीज़ें आप मिस्टेक करते हो, फिर उसे दोबारा करते हो, फिर दोबारा करते हो, देन यू डेवलप कॉन्फिडेंस। और अगर किसी ने करके दे दिया, या कोई आपको ऐसे मुसीबत के क्षणों में कमजोरी बना रहा है, तो वो फिर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा बच्चे के अंदर। तो यहाँ पे हम यही बात कर लेते हैं कि अगर हम बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स सही स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस पेरेंट्स को झेलने पड़ सकते हैं? आप उनके लिए एक ये आईने का काम करेगा, सो देट वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उन्हें क्या चीज़ मिस नहीं करनी है। देखिए, पेरेंट्स को सबसे पहले ना रिजेलियंस सीखनी होगी और रिजेलियंस सिखानी होगी बच्चे को, कि कभी एडवर्स इफेक्ट आते हैं, जब एडवर्स प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ के अंदर, हार्डशिप आएंगी, तो उससे कैसे विन ओवर करना है। उसके लिए नहीं कि आप दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो आपको खुद ही उसे फाइट करना आना चाहिए। और वह पेरेंट्स उसमें इतनी हेल्प कर देंगे कि बच्चा रिजेलियंस सीख ही नहीं पाता। तो ऑल एंड देन फिनोमेना होता है, जब हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अलग बात है। और दूसरा एक फैक्टर और मैंने देखा, जब छोटा बच्चा होता है तो बहुत एक आर्टिस्ट होता है। आर्टिस्ट का मतलब है जब वो लाइनें उकेरेगा पेपर पे, कुछ डिज़ाइंस बनाएगा, तब हम उसमें बड़ा खुश होते हैं, हम उसमें ढूंढते हैं हट बना दी इसमें, चाहे वो हट ना बनी हो, वी अप्रिशिएट, इमेजिनेशन पे हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। बट जैसे ही वो बच्चा बड़ा हो जाता है और जब वो उतना अच्छा नहीं कर रहा होता है, तो तब हम उसे अप्रिशिएट नहीं करते, तब हम उसे बिल्कुल नीचा दिखाते हैं, डाउन उसको कहते हैं, तुमने कैसे बनाया। कमी है कि वो बच्चे को कहीं ना कहीं जब छोटा है तो उसकी सराहना कर रहे हैं, बड़ा होता जा रहा है। हाँ, तो उसकी सराहना तो करना जरूरी है, उसकी सराहना करें, बेटा तूने बहुत अच्छा बनाया, बट तू थोड़ा सा और इस पे ध्यान दे तो ये और अच्छा लगेगा। जी जी, उन्हें ये समझाना ही पड़ेगा बच्चे को ना, तभी उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बट अब आपने उससे ड्राइंग नहीं बन रही, आम नहीं बन रहा, तो आपने उसकी गोलाई बना दी, तो मेरे ख्याल ये कोई हेल्प नहीं है। तो यहाँ पर डॉक्टर कशिका, आपसे बात करते हैं एक बार फिर से, कि अगर यहाँ पे हम बात करें परिवार के माहौल की, कि ये तो हो गया कि एक पिता की, एक माँ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, या फिर बच्चों खुद से कैसे ख्याल रख सकता है। लेकिन अगर मैं माहौल की बात करूँ, कई बार न्यूक्लियर फैमिलीज होती है, कई बार जॉइंट फैमिलीज होती है, तो दोनों ही फैमिलीज में माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जिस तरीके से रेज हो रहा है, वो कॉन्फिडेंस उसका कहीं पर भी कम ना हो। बिकॉज एक बच्चा बचपन में कच्चे घड़े के समान होता है, जैसा आप उस पर छाप देंगे वैसा छपता चला जाएगा। तो उसका जब स्टेप आगे बढ़ रहा है, जब उसकी उम्र बढ़ रही है जैसे जैसे, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि परिवार का माहौल कैसा हो, तो उसके बारे में बताइए। नेचुरली परिवार का जो माहौल है वो तो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। क्या होता है, पेरेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि वो सिर्फ बच्चे के IQ डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं। हर पेरेंट का एक ही सपना है कि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा हो, मेरा बच्चा आगे हो, लेकिन वो उसके EQ पर ध्यान नहीं देते हैं। EQ यानी कि इमोशनल क्वेश्चन।
उसके एक्यू पर ध्यान नहीं देते हैं, सोशल क्वेश्चन पे। तो क्या होता है, ये दोनों क्यूज जब थोड़े से वीक रह जाते हैं तो बच्चा उतना कॉन्फिडेंट नहीं बन पाता। अब किसी बच्चे को आपको पढ़ाई के लिए बार 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 फोर्स करना है, आप उसके लिए ट्यूशन भी लगा रहे हैं, सारे माहौल जो है ना बिल्कुल उसके हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद भी आप देखिए बहुत से बच्चे बड़े शाय होते हैं, वो किसी भी एक्टिविटी में आगे नहीं रहना चाहते, यानी कि सिर्फ वो जो डिग्री उनके हाथ में होती है वो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकती। कॉन्फिडेंस लाता है आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आपका एक्सपोजर, आपको कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो उसके लिए जो मैं ई क्यू की और एस क्यू की बात कर रही हूँ, खासतौर से ई क्यू, जैसे क्या होता है कि आप देखिए बहुत सारे अभी पिछले कई महीने और सालों में कई आईएएस की सोसाइटी जो है ना खबरें आई थी, तो क्या था वो आईक्यू तो उनका बहुत स्ट्रांग था क्योंकि देश की सर्वोच्च परीक्षा उन्होंने पास कर ली, आईएएस बन गए तो कोई डाउट ही नहीं कर सकता, लेकिन उनका ईक्यू बड़ा वीक था इसलिए वो बच्चे गिव अप कर देते हैं। ईक्यू में दो बहुत इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंसेज आती हैं, एक आती है कि इंसान सेल्फ स्मार्ट कितना है, यानी कि वो खुद को अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को कितना जानता है, और दूसरा ये है कि वो कितना पीपल स्मार्ट है, यानी कि वो दूसरे लोगों से कितना अच्छा तालमेल बना सकता है, कितना अच्छा टीम प्लेयर है। बिकॉज हमको दोनों की ही स्ट्रेंथ जानने की बहुत ज़रूरत है, यानी कि खुद को भी हमें जानना है और सामने वाले को भी, तभी तो हम कॉन्फिडेंटली प्ले कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो आज की जो पेरेंटिंग हो गई है उसकी जो सबसे बड़ी खामी है ये हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है, जैसे हेलीकॉप्टर सब पे मंडराता रहता है और घूम घूम की आवाज़ करता रहता है, इसी तरह से माँ बाप की घूम घूम की आवाज़, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, ये बच्चे के कान पर गूंजती रहती है और बच्चा उस शोर में हो जाता है। जी, तो एक बार फिर से रुक करते हैं डॉक्टर अनुज रस्तोगी की तरफ। तो अल्टीमेटली जो इसका सार पूरा निकलता है वो आप हमें दो शब्दों में बताएंगे एक बार। देखिए प्रेरणा जी, मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ना सबसे पहले बच्चे का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप ड्राइवर के साथ बैठ के कार चलाओगे तो कार चलानी नहीं आएगी। और जो हमारा ब्रेन काम करता है वो एक मैपिंग पे काम करता है, आपको बेसिक्स पता होते हैं तो उसका अप्लाइड अपने आप आ जाता है, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाता है। ऐसा नहीं होता एक जगह डेस्टिनेशन पे जाना और रास्ते में जाम लग रहा है तो आप दूसरा रास्ता खुद ही खोज लेते हो। तो इस तरह से हमारा ब्रेन काम करता है। तो कॉन्फिडेंस सिर्फ एक माइंड की स्टेट है जो कि डेवलप करी जा सकती है, और आप अगर उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे, जैसे कई बार आप क्या देखता हूँ मैं, बच्चे आते हैं दिखाने और बच्चा थोड़ा व्यथित दिख रहा है तो पेरेंट्स उसके पैर दबाने लगेंगे और मतलब इतना प्रोटेक्ट करेंगे उसको, बच्चा रो रहा होगा, पैम्परिंग वाली चीज़ है वो, हाँ वो उसको बहुत एक्सट्रीम हो गई, पहले भी थी बट अब कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई है। पहले सिर्फ बच्चे की केयर में माँ लगी हुई होती थी, अब माँ बाप दादा दादी नाना नानी सब लगे हुए होते हैं, तो उससे भी उनका जो मेंटल स्टेट है वो थोड़ा डिफेक्टिव हो रहा है। तो इसमें हम ये आप हमें बता सकते हैं कि इस तरह के केसेस किस फैमिली में ज्यादा होते हैं, जहाँ पे सिंगल चाइल्ड होता है, या फिर ऐसा है कई बार होता है कि बहुत सालों बाद घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसको बहुत ज्यादा पैम्पर किया जाता है, या फिर नॉर्मल सभी केसेस में ऐसा है? नहीं, सब केसेस में ऐसा नहीं है, जहाँ बच्चे कम है, जहाँ बच्चे कम है किसी भी कारण से कम है वहाँ बहुत ज्यादा है ऐसा, जहाँ बच्चे ज्यादा है वहाँ इतना नहीं है, बट अब बच्चे ओवरऑल कम ही हो गए। हाँ, इस वजह से उनकी जो पैम्परिंग वाली स्ट्रेट है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होते जा रही है। तो आज के स्वास्थ्य मंत्रा के प्रोग्राम की हाउ टू रेज अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड में हमने सीखा कि ना सिर्फ पिता को ध्यान रखना है, ना सिर्फ माता को, बल्कि पूरे फैमिली की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस के साथ बड़ा करें। इसके लिए आपको जो जितने भी टिप्स को फॉलो करना है वो डॉक्टर कशिका है, डॉक्टर अनुज रस्तोगी ने हमें बता ही दिया। पूरे प्रोग्राम को आपने ज़रूर पसंद किया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए ताकि कोई भी बच्चा बिना कॉन्फिडेंस के आगे ना बढ़ सके। नमस्कार।